सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के जोहर वैली मुनस्यारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई सुबह के साथ आज फिर से नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे से और मेरे घर से। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और दोस्तों ब्लॉगिंग नहीं बनाने का कारण ये था कि मैं घर पे ही थी और कुछ नया था नहीं घर पे दिखाने लायक, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। घर के ही ब्लॉग देख के आप लोग भी बोर हो जाते हैं और उसमें अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ पाते हैं, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बनाया थी। और दोस्तों, आज जैसे ही सुबह उठ के, मतलब अभी उठी हूँ जस्ट, तो उठ के जैसे बाहर आया तो कुछ बाहर का नज़ारा कुछ इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था, तो जिसका हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वो फाइनली आज हो चुकी है। यानी कि दोस्तों अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दगड़ियों, आप देख सकते हैं सामने पे आज बहुत टाइम के बाद बर्फ़बारी हो रही है। हमें बर्फ़बारी का बहुत दिनों से इंतज़ार था, हो ही नहीं रहा था। इस बार तो पता नहीं क्या हो गया था, मुनस्यारी में बर्फ़बारी हो ही नहीं रही थी, लेकिन आज स्टार्ट हो चुकी है बर्फ़बारी और आज 1 फरवरी को बर्फ़बारी हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। सुबह उठते ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग देखने को मिली। इस बार तो इसने इतना तरसा दिया था, गिर ही नहीं रहा था बर्फ़। ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर तो गिर ही रहा था, लेकिन नीचे पर बर्फ़ पड़ ही नहीं रही थी। और ध्रुव कितना खुश हो रहा है आप देख सकते हैं। ये देखो ध्रुव तो इतना बर्फ़ कम बर्फ़ आया उसी से खेलने लग गया। इस साल का पहली बार बड़ा खाया, मतलब मैं आया था। इस साल का पहली बार बड़ा खाया, ये देख सकते अभी तो बड़े बड़े फुलके गिरने लग गए यार। ये देखो तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आई हूँ चौराहे पे, तो मतलब बड़ी मम्मी लोग के घर पे ना 4-5 रास्ता है, तो इसलिए इस जगह का नाम चौराहा हमने रख दिया है। तो अभी मैं आई हूँ चौराहे पे अपने गांव के, तो अभी आपको थोड़ा बहुत गांव का नज़ारा भी दिखाते हैं। गौरव भी आ रहा है। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहा है, दूध लेने? कैसा लग रहा है अभी बर्फ़ गिर गया तो? अच्छा लग रहा है, अब तो स्कूल की छुट्टी फिर से तभी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो दोस्तों आज 1 फरवरी है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, बट दोस्तों बर्फ़बारी के कारण बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रात से ही बारिश हो रही थी। और ये रहा गांव का कुछ ऐसा है नज़ारा आज बर्फ़बारी होने के बाद। मैं तो थोड़ा लेट से उठी ना, तो ये पिघल चुका है। और कहते हैं मम्मी लोग की जो फरवरी में बर्फ़ गिरती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, मतलब जल्दी पिघल जाती है, जैसे आती है वैसे पिघल भी जाती है। तो इस वजह से बहुत थोड़े से बर्फ़ गिरे हुए हैं, यानी कि हमारी भाषा में पैतौल छाप बोलते हैं। हमारे वहाँ जब थोड़ा सा बर्फ़ गिरता है ना, तो हम लोग हमारी पहाड़ी भाषा में से पैतौल छाप बर्फ़ गिरा ऐसा बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा है बर्फ़ कहीं कहीं पे, जहाँ पे लोग नहीं चले होंगे वहीं पे है। बाकी ऊपर नई बस्ती साइड तो काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ऊपर आपको जहाँ बहुत ज़्यादा सा बर्फ़ दिख रहा है वो है नई बस्ती, तो नई बस्ती में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरे हैं। और हमारे यहाँ हमारे मतलब गाँव में तो कम ही बर्फ़ गिरे हैं, देख रहे होंगे आपको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कहीं कहीं पर। और दोस्तों सभी लोग काफ़ी खुश है बर्फ़ गिरने से, क्योंकि दोस्तों इतना सूखा हो गया था बर्फ़, मतलब 3-4 महीनों से ना बर्फ़ गिरी थी ना बारिश हो रही थी, इतना सूखा हो रहा था मौसम, बिल्कुल साग सब्जी इतने सूख चुके थे। तो आज बर्फ़ गिरी है तो सभी लोगों के चेहरे पे खुशी भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत चल जाता है डेली इतना ज़्यादा बर्फ़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। सब लोगों को वेट था बर्फ़ गिरने का, तो फाइनली गिर चुकी है बर्फ़ मुनस्यारी में पहला बर्फ़बारी। नीचे से पिरियल आ रही है अभी हमारे घर में, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तो ये रहा, आ चुकी है पांडा हमारी। हेलो पांडा, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है बर्फ़ गिर के? अच्छा लग रहा है बर्फ़ गिर के? हाँ। खेला ना बर्फ़ में? ना। नहीं खेला? ना। क्यों? मम्मी ने डांट रही थी, ठंडा लग जाएगा इसलिए डांट रही होगी। गुड मॉर्निंग तो बोलते गाइस को। गुड मॉर्निंग गाइस। गेट मॉर्निंग, चल फिर चल चलते हैं घर में, ठीक है? चलो। तो चलिए दोस्तों, आपसे सीधे मुलाकात हो रही है मेरे दिन के 12:30 बजे। और दोस्तों आज हमारा खाना भी बन चुका है, क्योंकि आज हमने नाश्ता नहीं बनाया था तो सीधे खाना ही बनाया। तो
हमारा खाना बन चुका है। तो आज का टेस्टी खाना ये रहा हमारे सामने। आज हमने बनाया है तैमूर का सूप और हरी सब्जी। तो दोस्तों ठंडे में ना हमारे वहाँ मुनस्यारी में जब बर्फ़ गिरती है तो तैमूर का सूप बनता ही बनता है। आज हर किसी के घर में तैमूर का सूप और राय की सब्जी बनी होगी। तो हम लोगों ने भी आज दोस्तों तैमूर का सूप और हरी सब्जी बना रखा है। बाकी यहाँ पर माही भी अपना प्लेट लेके आ चुकी है। हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी रसोई में खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आग है और आग के सामने बैठ के ही खाना वगैरह खाएँगे। तो चले दोस्तों, टेस्टी सा लंच करने के बाद अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ। रेडी तो क्या हुई हूँ, थोड़ा सा कोल्ड क्रीम और लिपस्टिक लगा रखा है और जैकेट वगैरह पहन लिया है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थोड़ा सा ऊपर तक जाए बर्फ़ वगैरह देखने के लिए, बर्फ़ कितनी गिरी है वो देखने के लिए। तो भैया को बोला तो भैया ने पहली बार हाँ बोला है, तो हम लोग भैया के साथ ही जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। तो अभी तो थोड़ा बहुत रेडी हुए हैं, क्योंकि ठंडे में ना रेडी होने का भी मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत दोस्तों ब्लॉगिंग देखिए तो चिल्ला रहा है मुझे। हाँ ठीक है, यसु चिल्ला रही है, यसु बोला कि मैं भी आता हूँ मैं भी आता हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर स्नोफॉल देखने के लिए, देखते हैं पिघल चुका है या फिर है, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं कितना गिरा है ऊपर को। यहाँ तो थोड़ा ही बहुत गिरा है, ऊपर कितना गिरा है वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग घर से निकल चुके हैं, मैं माहे ध्रुव और यसु। भैया तो पहले चले गया था खाना खा के। और दोस्तों अब बाहर का मौसम देख रहे होंगे मेरे पीछे से, इतना कोहरा लगा हुआ है क्या ही मैं आपको बताऊं। ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है पूरे मुनस्यारी में। आज बता रहे हैं कि 5 बजे से ही मौसम कुछ ऐसा है। लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड पे और मार्केट में कुछ ऐसा है नज़ारा। हमें फिर से गौरव मिल चुके हैं। कहाँ जा रहा है गौरव? पापा को खाना देने। अच्छा चलो फिर चलो। तो गाड़ी ये रही हमारी गाड़ी, सामने से आ रही है। हमारी गाड़ी नहीं है, मामा की गाड़ी है, मामा ने न्यू गाड़ी लिया है तो हम लोग अभी इसी में जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में सभी लोग और अभी आगे को जाते हैं, देखते हैं बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है आज। हम लोग घर से आ चुके हैं और हम लोग आते आते अभी पहुंच चुके हैं नई बस्ती से थोड़ा सा आगे को। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ का नज़ारा कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नई बस्ती से थोड़ा सा आगे आने पे हमें कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलता है हमारे मुनस्यारी का। तो दोस्तों लगभग 1 फुट तो शायद, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लगभग 1 फुट होगा शायद, फुट ही बोलते होंगे। तो इतना यहाँ पे आ चुका है बर्फ़ मुनस्यारी मार्केट में, तो इतना बर्फ़ देखने को नहीं मिला। और दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे पेड़ में ना बर्फ़ गिरे हुए हैं, तो पेड़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग जम्मू पहुँच गए होंगे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई दोस्तों, बर्फ़ गिरी नहीं गिरी नहीं गिरी नहीं, बड़ी मुश्किल से अभी गिरी हुई है फरवरी में। और ये देख सकते हैं दोस्तों नज़ारा कुछ ऐसा है, स्पेशली आपके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे इतने ठंड में। आपको बर्फ़ जो दिखाना था दोस्तों मुझे, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे को। और ये रही हमारी गाड़ी, आगे भी कोई टूरिस्ट वाले हैं, उनकी गाड़ी फंस चुकी है, गाड़ी स्लिप कर रही है ऐसा बोल रहे हैं वो, तो उनकी गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है। तो वो लोग अपनी गाड़ी निकाल लें और भैया लोग भी हेल्प करने के लिए चले गए हैं। ध्रुव ने तो स्टार्ट भी कर लिया बर्फ़ से खेलना, ये देख सकते हो कैसा लग रहा है ध्रुव? कितने सालों के बाद, नहीं इसी साल नहीं आया बर्फ के बाद आया है 1 तारीख को। मजा तो है, छुट्टी छुट्टी हो गई फिर से, तो मजा आ जाता हाँ हर्जा हो जाएगा क्यों स्कूल का, छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी और हो जाएगा। ये देख सकते हो, अरे वाह देखा ध्रुव ने तो यहाँ पे खेलना स्टार्ट भी कर दिया। और यसु महाराज भी आया हमारे साथ। यसु यहाँ देखना, यसु कैसा लग रहा है तुझे? यसु सुन ही नहीं रहा। यसु यसु कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बर्फ देख के? गिरेगा हाँ आराम से। देख सकते हैं ड्राइविंग सीट पे भैया बैठ चुके हैं और सभी लोग पीछे से धक्का रहे हैं, गाड़ी को निकाल रहे हैं। ये देख सकते हैं सभी जवान लगे हैं, टूरिस्ट वाले हैं। और यहाँ पे उसका तो पिछवाड़ा ही दिख रहा है सॉरी तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली गाड़ी थोड़ी बहुत निकल चुकी है। यहाँ पे भैया हेल्प कर रहे हैं, जो ड्राइविंग सीट है वो भैया ने ले ली है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे को। और यहाँ पे जो और लोग हैं टूरिस्ट वाले हैं, और योगी भी लगा हुआ है पीछे से सपोर्ट के लिए। ये देख सकते हो दोस्तों,
किनारे किनारे कर लो। फाइनली हो ही गया। करें अरे स्लिप मार रही, बहुत बुरी तरीके से। कहाँ से आए हो आप? हम लोग यूपी से, झांसी। अच्छा, आपके लिए तो अच्छा हो गया, फिर बर्फ पड़ गई। कब आए आप लोग? हम लोग तो अभी यहाँ नीचे बराम में रुकते हैं। अच्छा, पावर हाउस का काम है हम लोगों। अच्छा अच्छा, बराम के आगे 2 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ घूमने के लिए आए होंगे ना? अच्छा, तो मजा आ गया फिर, अब बर्फ भी पड़ गई है। कब आए आप यहाँ? अरे अभी एक गाड़ी हमारी आगे निकल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो बैठो भी बैठो, एक गाड़ी हमारी आगे निकल गई। अच्छा, तगड़ियों थोड़ा बहुत आपको बर्फ दिखाने के बाद और थोड़ा बहुत हम लोगों ने फोटो शूट कराया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि दोस्तों ठंड भी काफी है। हमारे साथ यस्सू भी आया है ना, तो इस वजह से हम लोग घर को जा रहे हैं। थोड़ा बहुत बर्फ का सीन आपको दिखाई दिया है फिर। और दोस्तों ध्रुव ये देखो घर के लिए ये तैयार करके लेके जा रहा है। ध्रुव क्या करेगा इसका? खेलूंगा। खेलेगा? किस किस के लिए लेके जा रहे थे? 5 के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ध्रुव इतना बर्फ लेके आया है अपने साथ। और ये देखो दोस्तों नज़ारे, यार इतने खूबसूरत लग रहे, क्या ही मैं आपको बताऊं। और दोस्तों ये देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, वैसे कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, बट दोस्तों दोबारा से ना यहाँ इधर साइड को नई बस्ती से आगे साइड को यहाँ पे को बर्फबारी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और नीचे से दोस्तों मुंशियारी मार्केट से लोग आए जा रहे हैं घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए सभी लोग आए जा रहे हैं वीडियोज बनाने के लिए। ये देखो इन दोनों तो बर्फ से शुरू हो चुके हैं, बर्फ से खेलने। मुझे मत मारना। अरे देख सकते हैं दोस्तों ये देखो ये इनका यहाँ पे बर्फबारी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकलने लग चुके हैं घर को, और गाड़ी में ना गाने लगा दिए हैं तो मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। तो हम लोग जाते हैं घर को, और आपको कैसा लगा बर्फ देख के जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलो दोस्तों चलते हैं सीधे घर को। चलिए दोस्तों हम लोग गाड़ी से उतर के आ चुके हैं अपने गांव में, और अभी हम लोग हैं गांव वाले रास्ते में। तो एक बार चलते हैं घर को, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर बैठते हैं पहाड़ी रसोई में आके पास, क्योंकि ना वहाँ पे ना हम लोग फोटो के चक्कर में इतना बर्फ पकड़ रहे थे तो हाथ इतने ज़्यादा ठंड हो गए हैं। तो एक बार चलते हैं घर पे, ठीक चू। तो चलिए दोस्तों घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5, और दोस्तों हम लोग ना अभी पहाड़ी रसोई में बैठे हैं। अभी भी बारिश कंटिन्यू है, ऊपर तो बर्फ पड़ रही थी, यहाँ पे बारिश हो रही है। दोस्तों ये रही मम्मी, प्रियल भी आई है और रितु दी भी आई हमारे घर पे, और ये रहा यशु, काली चाय पी रहे हम लोग, और ये रहा ध्रुव। और दोस्तों ऐसे मौसम में ना बहुत भूख लगती, तो हम लोग यहाँ पे चिप्स तल रहे हैं। रितु दी को हमने काम दिया है चिप्स तलने का। चाय तो हमारी बन के आ चुकी है, अभी काली चाय बन रही है, दूध खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ठंडा ठंडा मौसम हो तो ठंडे ठंडे मौसम में चाय पीने का भी बहुत ज्यादा मन करता है, और उसके साथ गर्मा गर्म चिप्स हो तो और भी मजा आता है। वैसे पकौड़े होते तो और भी मजा आता है, बट इतना टाइम था नहीं, तो हम लोग चिप्स तल रहे हैं अभी। तो रात का खाना भी हो चुका है, और अभी मैं खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ अपने रूम पे, और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सीमा आपको मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।